गुड मॉर्निंग, मनु हेयर। और आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मॉर्निंग। आप सन मेरे एक फेस पे देख सकते हैं, इज द मॉर्निंग सन। तो आज मैं आपके साथ अपना जो मॉर्निंग का ग्राउंडिंग रूटीन है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ, मैं फ्रेश जिंजर और लेमन और लाइम का जूस निकालती हूँ, उसको पानी मिला के पीती हूँ। और उसके बाद आई जस्ट स्टेप आउटसाइड एंड जो हमारे घर का यार्ड है, आई लव इट। इट्स नॉट मैनिक्योर, जो कि हम लैंडस्केपिंग का काम करते हैं, लेकिन और मेरे हस्बैंड मुझसे कई बार पूछ भी चुके हैं कि इसको मतलब फिक्स कर दें, बट आई लव द वाइल्डरनेस कि और आई एम सो लकी एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव दिस यार्ड इन द मिडल ऑफ द सिटी। और इतना ब्यूटीफुल ट्री लाइन है, और मतलब बिल्कुल सिटी के सेंटर में है, इतना बड़ा यार्ड रखना इज वेरी वेरी लकी। आई इंजॉय इट फुली। जब भी मुझे ग्राउंडिंग की जरूरत पड़ती है मैं बाहर आ जाती हूँ, एंड मतलब कहीं मुझे लगता है कि मैं जंगल में हूँ। बट इज समथिंग इन मी इन माई सोल विच गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन आई कम आउटसाइड। मैं आपको अपना यार्ड दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपसे अपना जो रेसिपी है ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर ली है उसको मैं शेयर करूँगी। सो सो ब्यूटिफुल। एंड आपको मैनिक्योर नहीं है या फ्लावर्स वगैरह नहीं है, देयर इज द वाइल्डनेस कि आपको लगेगा कि आप जंगल में हो। And I love that feeling. I really, really enjoy this yard. So let me just show you. देखिए जंगल की तरह बिल्कुल पेड़ है, और ट्री लाइन देखिए, इट्स सो सो ब्यूटिफुल। और वहां पर हमारे मिस्टर सन है, आप देख सकते हैं, इट्स सो ब्यूटिफुल। और देखिए कोई सारा झाड़ियाँ हो रखी हैं, एंड आई लव इट दिस वे। मेरी सोल में कुछ, देखिए वो जो पगडंडी दिख रही है उसमें मैं रोज वॉक करती हूँ। और ये मतलब रोड से मतलब बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में ही है, आपको बिल्कुल लेक के पास और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है इसका एक्सपीरियंस करने के लिए। और सवेरे सवेरे जब मैं निकलती हूँ तो बर्ड्स चर्प कर रही होती हैं और बनीज रन कर रहे होते हैं, तो इट्स सो गुड। और देखिए कितने ओल्ड ट्रीज हैं, सबसे पहले जब मैं उठती हूँ तो मैं ये अदरक लेती हूँ, अदरक को छील के, और सबसे पहले मैं अदरक का जूस निकालती हूँ। दिस इज ये इजी तरीका है अदरक का जूस निकालने का। तो इस अदरक को मैं बाद में यूज़ कर लेती हूँ सब्जी में, तो दैट्स व्हाई इसीलिए मैं अदरक पहले निकाल रही हूँ और नींबू का मैं बाद में निकालूंगी। इस अदरक को मैं इस कंटेनर में रख लेती हूँ और इसको बाद में चाट में या सब्जी में जहाँ भी यूज़ करना हो तो इसको यूज़ कर लेती हूँ। अदरक को मैं पहले करती हूँ कि इसमें इसको मैं चाय में भी यूज़ कर सकूँ, तो लेमन पहले स्क्वीज करूँगी तो फिर वो खट्टा हो जाएगा, दूध फट सकता है, इसलिए अदरक को कर रही हूँ। हमारा अदरक चाय के लिए तैयार हो गया और मैं आधा ही लेमन यूज़ करती हूँ। अभी सन थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, और यहाँ का ब्यूटी क्या है कि कोई कंप्लेन नहीं करता है, क्योंकि ये सारा सिक्लूडेड एरिया है, तो किसी को अंदर दिखता नहीं है कि कितनी बड़ी बड़ी जंगल हो गया है यहाँ पर। तो दैट्स द ब्यूटी, अदरवाइज क्या होता है कि नेबर्स कंप्लेन कर देते हैं। लेकिन अब फाइनली
हम इसको काटेंगे ही, लेकिन स्टिल आई हैव दैट फ्रीडम टू कीप इट दिस वे एंड आई रियली एंजॉय इट. और उसमें क्या होता है, कितने सारे आपको बनीज दिखेंगे और स्क्विरल्स दिखेंगी और बर्ड्स चर्प कर रही हैं और बहुत सारे बर्ड्स के नेस्ट भी हैं यहाँ पर, सो इट फील्स सो गुड. ये लाइलक का ट्री है और इसमें अभी ये ऑलरेडी एक बार ब्लूम हो चुका है. और ये रहा हाइबिस्कस, तो एक ना एक के बाद किसी ना किसी ट्री में फ्लावर्स आते रहते हैं, इट फील्स सो गुड. और ये वाला जो हाइबिस्कस है ट्वाइस अ ईयर लाइक ट्वाइस अ सीजन ब्लूम होता है, तो देखिए कितना प्रिटी है. और इसके हाइबिस्कस के काफी यहाँ पर ट्रीज हैं जो बुशेज में हैं. और इस प्लांट का मुझे और ट्री का नाम नहीं पता है. और देखिए बहुत सारे हाइबिस्कस हैं और इसमें भी इतना ब्यूटीफुल फ्लावर आता है इस वाले ट्री में, इट्स सो ब्यूटीफुल. मतलब पूरा ये जो है, ये सारे जो छोटे वाले ट्रीज हैं इसमें सब में बहुत बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं. और ये जो बड़े वाले हैं ये तो एवर ग्रीन है, देखें कितना ऊंचे हैं. सी आप देख रहे हो, आई लव इट. अब मैं वॉक करती हूँ.